राधे राधे, वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रेमानंद महाराज जी का स्वरूप बनाना दिखाएंगे, उनका मेकओवर एक पुरानी गुड़िया के ऊपर किस तरीके से हमने दिखाया है वो ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो को, आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने पुरानी गुड़िया का इस्तेमाल किया है। अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं, पहले से वीडियोज देख रहे हैं, तो कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी डॉल का मेकओवर हम यहाँ कर रहे हैं, कौन सी थी ये वाली गुड़िया। तो बस पूरा स्किन कलर हम कर रहे हैं। स्किन कलर कैसे बनाया जाता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप घर पर ही बना सकते हैं, मतलब कोई भी खराब गुड़िया है उसको आप कैसे नया स्वरूप दे सकते हैं ना, वो आपको हमारे चैनल पर जरूर देखने के लिए मिलेगा। और बहुत सारी वीडियोस है, और आपको जो मन करे आप उस तरीके से बना सकते हैं। भगवान जी के बहुत सारे मेकओवर्स किए हुए और भी बहुत सारे। तो बस यहाँ पर हमने देखी, जब पेंट ड्राई हो चुका था तो पेंसिल से पहले तो रफ बना ली थी आईज एंड ऑल, और फिर अब एक्रोलिक कलर के इस्तेमाल से ही सारा हम करने वाले हैं। जैसे कि इमेज हमने आपको शुरू में दिखाई थी वैसी ही बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी तो आपको पता ही है, क्योंकि ये डॉल है, पेंटिंग भी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम बन जाए, बट हाँ कोशिश हमारी पूरी रहेगी। तो सारी छोटी छोटी डिटेलिंग है वो स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं। जब हमारा एक पेंट सूख जाए तभी दूसरे पेंट के स्टेप पर हम आएंगे, ताकि वो ख़राब नहीं हो। हेड को हम बेस जो है हमारा ब्लैक कलर कर देंगे पहले, एंड फिर जो दाढ़ी वाला पार्ट है वो भी बेस हमारा पहले होना चाहिए, ताकि अगर हम जब जो भी चिपकाएं तो वो विजिबल ना हो स्किन कलर। तो बाल हमने यहाँ पर ऊन का इस्तेमाल किया है बाल बनाने के लिए। पहले हम रफली लंबे ले लेंगे, जो अगर ट्रिमिंग करनी है, कट करना है, वो हम बाद में करेंगे। तो बालों को जो पूरा एरिया है वो हम कवर कर लेंगे इस तरीके से ग्लू लगाकर। और बस हमने लेंथ लंबी ली है, क्योंकि उनकी जटाएं आपने देखा है सिर पर काफ़ी सारी होती हैं, और इसीलिए थोड़ी ज़्यादा लेंथ हमने ले ली है। और इन्हें फोल्ड कर लेंगे एग्जैक्टली वैसे ही और बांध देंगे, चाहे रबर बैंड से बांध दीजिए या फिर ऐसे ही बांध दीजिए। तो बस हमने यहाँ बांध दिया है। अब जो दाढ़ी वाला पार्ट है, एज आई सेड कि आपको लंबी रखनी है, बाद में हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर कर लिया है। और हाँ, जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपने राधा रानी जी देखी हैं आशीर्वाद देते हुए, राधा रानी जी की अलग वीडियो है जो हमने बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो राधा रानी का वो वाला मेकओवर बार्बी डॉल के ऊपर आप बना सकते हैं खुद से, और आई एम श्योर आपको वो वीडियो भी काफ़ी अच्छी लगेगी। काफ़ी सिंप्लीफाई में भी करके हमने आपको बताया हुआ है। और यहाँ पर देखिए, जो उनका तिलक रहता है माथे पर, वाइट कलर हमने इसलिए किया है ताकि येलो कलर हमारा खिल कर आए, और दाढ़ी उनके बाल जो हैं वो वाइट कलर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में है। तो अब देखिए, अगर मैं डायरेक्टली येलो करती ना स्किन कलर के ऊपर तो वो इतना खिल कर नहीं आता, इसलिए हमेशा येलो कलर करने से पहले वाइट का बेस हमें दे देना चाहिए। मीन्स वाइट जब पेंट अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद येलो कलर करना है। अब पारी आती है उनकी ड्रेस बनाने की। तो वाइट कुर्ता पजामा हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, नॉट पजामा एक्चुअली धोती, तो वो हमने बना लिया है, मतलब पहले हमने कट कर लिया है और पीछे हम जाकर चिपका देंगे। आप चाहें तो इसे सुई धागे से भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपको मन करे वैसे। मैं यहाँ पर चिपका रही हूँ क्योंकि ये जल्दी हो जाता है, और दूसरी चीज़ हमने पेंट किया हुआ है तो हम आराम से निकाल भी सकते हैं, और दोबारा से कुछ मेकओवर आपको करना तो कर सकते हैं, क्योंकि पेंट के साथ ही वो निकल जाता है। अब यहाँ पर हम धोती बना रहे हैं, तो धोती बनाने के लिए अगेन हमने कपड़ा वाइट ही लिया है, और बस पीछे से लेकर जाते हुए आगे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके फ्रिल्स लगाकर यहाँ पर चिपका देंगे, तो हमारी जो है धोती है वो भी ऐसे तैयार है। बट हाँ, जो धोती है वो थोड़ी छोटी होती है, पाँव भी विजिबल होते हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा कट कर लिया था इस तरीके से। अब जो येलो कलर का जो उनका चोला, मतलब उनका वो शॉल टाइप रहता है, वो हमने ऐसे कॉटन का एक कपड़ा ले लिया है और अच्छे से सेट कर देंगे। द वे वो लेते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर सेट कर देंगे। अब बात आती है उनके जो गले में श्री राधा जी का वो जो चेन रहती है ना वैसा, तो हमने पेपर ले लिए हैं, पेपर को इस तरीके से चिपका लिया है, और इसको इसके ऊपर हम लिखने वाले हैं श्री राधा, जैसा कि आपने इमेज में देखा है तो वैसा लिख दिया है हमने। अब इसको एक बॉर्डर दे देते हैं। तो मेरे पास एक बॉल चेन है जिससे मैं बॉर्डर दे रही हूँ, और बस इसे ऐसे चिपका देंगे। और जो चेन है वो एग्जैक्ट वैसी हमें नहीं मिल पाई, पर मैंने यहाँ पर सिल्वर और इस तरीके से डार्क ब्लू कलर की बॉल चेन लेकर ऐसे चिपका देंगे,
और हमारी जो प्यारी सी जो चेन है श्री राधा जी वाली, वो देखिए आप बिल्कुल वैसी ही बनकर तैयार हो गई है। बस यहाँ पर हम उनको पहना देते हैं और हमारी जो जो प्रेमानंद महाराज जी है उनका मेकओवर काफ़ी मतलब हो गया है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? हाँ, वीडियो का क्विज ये है, आपको हमें ये बताना है श्री राधा राधा जी की जो माता जी है उनका नाम क्या है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, देखते हैं किस किस को पता है। और सबसे सुंदर आंसर देने वाले का कमेंट को हम पिन करेंगे। और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही इंजॉय कर पाएँ हमारे चैनल को और ये प्यारी सी वीडियोस को भी। अगर आप अपनी कोई आर्ट को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी स्टोरी में डालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।